हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर ब्रेनरी। तो आप सभी का जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 36 पार्ट में स्वागत है। तुम्हारी जितनी भी एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज हैं, जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज, हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज और वेजिटेबल साइंस का जो एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें कि हम ICAR वेजिटेबल साइंस के नेट के एग्जाम भी डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, साथ में हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एमसीक्यू सीरीज है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड्स हैं, तो जितना भी हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैनल में सिंसियर ब्रेनरी में, तो ये सभी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं इनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या तो प्रीवियसली ये किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसमें जो भी अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी है, लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं, वो भी हम आपको अपडेट करवाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम लॉन्च्ड इन, जो मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 2015 में। जो मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम है वो 2015 में लॉन्च की गई थी, राइट। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया अंडर, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BIS जो कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म है, ये जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है BIS, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है, राइट। नेक्स्ट इज BIS वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 23 दिसंबर 1986 में। द ISI मार्क जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, राइट, तो ये जो ISI मार्क है इट इज़ ए स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस मार्क फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन इंडिया सिंस, तो ये जो ISI मार्क है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि एक स्टैंडर्ड कंप्लायंस मार्क है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में, तो ये कब से काम कर रहा है, कब से है, इसका राइट आंसर है आपका बी, 1955 से, राइट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट टाइम द हींग कल्टीवेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन विच स्टेट, हींग जो है हींग कल्टीवेशन इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट में, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, हिमाचल प्रदेश में। राम एस्फोइटिडा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डैश पार्ट ऑफ फेरुला एस्फोइटिडा, जो आपका रॉ एस्फोइटिडा होता है, हींग जो होता है वो किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑफ फेरुला एस्फोइटिडा के, तो इसका राइट आंसर है आपका पी, फ्लैशी रूट से। नेक्स्ट इज विच इन स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर फॉर द ईयर 2021-2022, 2021-22 में अभी कौन सी स्टेट है इंडिया की दैट हैज बिकम द टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने वेस्ट बंगाल को डिफीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया, ओके, तो यूपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया वेजिटेबल्स का 2021-22 में बाय डिफीटिंग वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ट्रेन अंडर किसान रेल स्कीम फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन, जो किसान रेल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर जो फर्स्ट ट्रेन थी वो कब चली, वो कहाँ से कहाँ के बीच में चली, इसका राइट आंसर है आपका ए, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में, राइट। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट एवर किसान रेल फ्रॉम देवलाली टू दानापुर कमेंस्ड ऑन, तो जो इंडिया की फर्स्ट किसान रेल है जो कि देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चली, तो इट वॉज कमेंस्ड ऑन, किस डेट को ये कमेंस हुई थी, इसका राइट आंसर है आपका बी, ऑन 7 अगस्त 2020 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट हैंडेड DNA, इनमें से कौन सी फॉर्म जो होती है DNA की डेट इज लेफ्ट हैंडेड, BDNA, ZDNA, ADNA, ऑल ऑफ दिस, इसका राइट आंसर है आपका सी, जेड फॉर्म ऑफ DNA जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड DNA होता है, बी और ए जो है वो राइट हैंडेड DNA होते हैं। नेक्स्ट इज लीडर इज द ट्रेड नेम ऑफ विच हर्बिसाइड, इनमें से किस हर्बिसाइड का ट्रेड नेम जो है वो लीडर है, इसका राइट आंसर है आपका बी, सल्फो सल्फ्यूरोन का। द ट्रेड नेम ऑफ ग्लाइफोसेट इज, तो ग्लाइफोसेट जो होता है हर्बिसाइड, इसका ट्रेड नेम क्या होता है, इसका राइट आंसर है आपका सी, राउंड अप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज प्रोटोगाइनी नेचर, इनमें से किस क्रॉप में प्रोटोगाइनी पाई जाती है, इसका राइट आंसर है आपका सी, रेडिश में।
सुगर बीट, कैरेट और सेलरी, इन सभी में प्रोटेंडरी पाई जाती है। प्रोटोकाइनी मीन्स जिसमें कि पिस्टिल स्टिग्मा पर जो पहले मेच्योर हो जाता है। द डार्क रिएक्शन अकर्स इन, डार्क रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पे होती है, इसका राइट आंसर है आपका ए, डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है, राइट। एंड अगर हम बात करें जो आपका लाइट रिएक्शन है वो होती है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, ओके। नेक्स्ट इज जीन इज द प्रोटीन ऑफ, जीन जो है वो किसका प्रोटीन को हम जीन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, मेज प्रोटीन को हम जीन कहते हैं। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ, लोटस जो नेशनल फ्लावर है किसका, इंडिया का, वियतनाम का, बोथ एंड बी, तो लोटस जो है वो दोनों का नेशनल फ्लावर है, इंडिया का भी और वियतनाम का भी। नेक्स्ट इज हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, इंडियन फॉरेस्ट्री का फादर किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, सर डाइट्रिक ब्रैंडिस, ओके, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया के कॉलोनियल टाइम में लगभग फॉर मोर देन 30 ईयर्स इंडिया में काम किया था। नेक्स्ट इज ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल इज लोकेटेड एज, जो ICR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका राइट आंसर है आपका ए, मेरठ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज न्यूट्री सीरियल इज, इनमें से कौन सी क्रॉप्स जो है जिनको हम न्यूट्री सीरियल कहते हैं, जिसका राइट आंसर है आपका बी, मिलट्स, मिलट जो है इनको हम न्यूट्री सीरियल भी कहते हैं। टूटा एब्सोल्यूटा इज ए पेस्ट ऑफ, जिसका राइट आंसर है आपका बी, टोमेटो, टूटा एब्सोल्यूटा जो है जिसको हम टोमेटो लीफ माइनर भी कहते हैं, ये एक इन्वेजिव पेस्ट है टोमेटो का, राइट, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ से इन्वेज किया, ये इन्वेट किया USA से, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।